नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं जीशान जावेद आपके साथ। पूरे देश के साथ रीवा में वृहद लोक अदालत का किया गया शुभारंभ। 40 से ज्यादा खंडपीठों ने प्रकरण सुलझाए। पूरे देश के साथ रीवा में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन रीवा के जिला न्यायालय में किया गया। इस दौरान तमाम तरीके के प्रकरण आपसी तालमेल समन्वय के साथ निपटाए गए, जिसके लिए 40 खंडपीठ जिला न्यायालय द्वारा गठित की गई थी। इसके साथ ही बैंक, एमपीबी, नगर निगम, इंश्योरेंस कंपनियों ने अपने अलग से स्टॉल लगाए थे। 13 जुलाई की सुबह जिला न्यायालय परिसर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके सिंह ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके लोक अदालत का शुभारंभ किया। इसके साथ ही वह निकल पड़े जिला न्यायालय में लगे पंडालों पर तमाम विभागों के लोगों से मिलने और उन्हें बेहतर तरीके से समझाकर प्रकरण निपटाने की नसीहत के साथ। आइए आपको लेकर चलते हैं जिला न्यायालय में लगी लोक अदालत में और दिखाते हैं वहां का नजारा, साथ ही सुनवाते हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश किस तरीके से लोक अदालत के बारे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बता रहे हैं। ये आज पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक अदालत है जो साल में 4 बार होती है। आज उसमें ये हमारी लोक अदालत है राष्ट्रीय जी, और उसमें सभी तरह के प्रकरण, जैसे कि वैवाहिक प्रकरण, सिविल प्रकरण, आपराधिक प्रकरण, जिसमें धारा 138 के, जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है, चेक्स बाउंस के प्रकरण और मोटर बीमा से संबंधित प्रकरण से लगाए जो राजस्व और नगर पालिका से लेकर के हर सभी विभागों के प्रकरण आज लिए जाएंगे। जो राजीनामा योग्य जिनका निराकरण किया जा सकता है उनका निराकरण किया जाएगा। साथ ही साथ जो प्रकरण न्यायालय में आने की तैयारी में हैं उन प्रकरणों को भी आज लिया जाएगा, जो फ्ली लिटिगेशन जिनको कह सकते हैं, उसमें भी बिजली से लेकर के अनेक तरह के बिजली, बैंक, टेलीफोन, नगर पालिका और भी जो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रकरण है सबको आज लिया जाएगा। और उसमें हमारे लगातार पिछले काफ़ी दिनों से सभी विभाग और हमारे माननीय जितने न्यायाधीशगण हैं प्रीसीटिंग ले रहे हैं, उसकी व्यापक तैयारी की गई है। उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे परिणाम आएंगे। कितने खंडपीठ अपने 40 खंडपीठ हमारे न्यायालय के, इसके अलावा जो बिजली, बैंक और अन्य प्रकरण जो है अलग से उन लोग स्टार भी लगाए हैं, वैसे उसमें सब कोर्ट में ही आएंगे सारे प्रकरण। हेलो भैया, चाहिए आपको।